उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी में किसानों की समस्याओं को लेकर एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन हुआ। पंचायत में ओलावृष्टि का मुआवजा, बीमा क्लेम, फूके हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाना, हर घर नल योजना, जर्जर हो चुके रोड का निर्माण, वृद्धा पेंशन दिलवाए जाने को लेकर किसानों ने चिंतन मंथन करते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई। श्रावस्ती में प्राथमिक विद्यालय के सामने दिखा कचरा और गंदगी का अंबार। स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभिभावकों व स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दो पक्षों में हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर रोड जाम कर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने भारी संख्या में प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर SDM और CO पहुंचे, जिन्होंने परिजनों को समझा बुझा कर हंगामा शांत कराया। झांसी के माओरानी में ATM कार्ड से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का एक सदस्य पीड़ित ने अपने साथियों की मदद से दबोच लिया। पकड़े गए सदस्य से पीड़ित के ATM कार्ड से निकाले गए रुपए भी बरामद हुए। आगरा ताजगंज क्षेत्र के नोबरी कटरिंग रोड के पास पुलिस और वांछित लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में वांछित अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। बता दें कि अभियुक्त मनीष चैन लूट में वांछित मुठभेड़ में पकड़े गए। वांछित पर आगरा मथुरा में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। कन्नौज में अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर। पार्क की जमीन पर 6 लोगों ने कब्जा कर रखा था। अम्बेडकर पार्क की जमीन के बड़े हिस्से पर सबने कब्जा कर रखा था। लेखपाल की पैमाइश के बाद नायब तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण गिराया गया। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने भाई बहन व 2 मासूम बच्चियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें भाई की मौके पर मौत हो गई। वहीं दोनों मासूम बच्चियों सहित बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों बच्चियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक को मई गाड़ी की हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर की स्पेशल CJM कोर्ट ने कामधेनु ब्रांड सरिया के डायरेक्टर नवीन जैन को 52 करोड़ रुपए की CGST चोरी में जेल भेज दिया है। वहीं विशेष लोक अभियोजन अबरीश टंडन ने बताया कि DGGI की लखनऊ यूनिट ने पिछले 3 दिनों से कानपुर में कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जहां जांच में कर चोरी के सबूत मिलने के बाद जैन को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोरखपुर में पुलिस ने मारपीट के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसका मेडिकल कराने पुलिस वाले जिला अस्पताल ले गए। वहां से उसे जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ले जाया गया, जहां पर उसकी जमानत हुई। जमानत होते ही कुछ दबंग वहां पहुंचे और पुलिस वालों के सामने ही मारपीट करने लगे। पुलिस वालों ने बीच बचाव किया, जिससे युवक की जान तो बच गई। युवक ने कोतवाली थाने पर कहरेर दिया। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। श्रावस्ती में अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसा, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को CST पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार का हालात गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया है।